लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वाह रे वाह,
वारे 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 वा वारे वारे वा 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 वारे वारे वा 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 तू ही तो है मेरा सारा जहां जैसे जमीन पे है ये आसमां तू आगे आगे मैं पीछे पीछे छोटा सा अपना ये कारवां ये दुनिया आती जाती है तू ही तो मेरे दिल का साथी है वारे वा वारे वारे वा 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 वारे वारे वा 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 वारे वारे वा 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 तू ही तो है मेरा सारा जहां जैसे जमीन पे है ये आसमां तू आगे आगे मैं पीछे पीछे छोटा सा अपना ये कारवां वारे वा वारे वारे वा 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 वारे वारे वा 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 वारे वारे वा 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 मुझसे कितना बड़ा है तू मैं छोटा बच्चा लगता हूँ तेरे साथ खड़ा हूँ तो मैं कितना अच्छा लगता हूँ ये दुनिया भूल जाती है तू ही तो मेरे दिल का साथी है ये दुनिया आती जाती है तू ही तो मेरे दिल का साथी है वारे वा वारे वारे वा 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 वारे वारे वा 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 वारे वारे वा 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 तू ही तो है मेरा सारा जहां जैसे जमीन पे है ये आसमां तू आगे आगे मैं पीछे पीछे छोटा सा अपना ये कारवां वारे वा वारे वारे वा 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 वारे वारे वा 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 वारे वारे वा 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 आज तो तुम्हारी नई टीचर मिसेस गोम्स आने वाली है ना? हाँ पापा वो बहुत गुस्से वाली है। अच्छा है, फिर तुम्हारी बदमाशी भी कुछ कम होगी। पापा, आज आपकी लंबी ट्रिप है ना? हाँ यार, बॉम्बे से कुछ टूरिस्ट आए हैं, पूरा महाबलेश्वर घूमना चाहते हैं। मतलब कि लेट आओगे? मैं लेट हो ना हूँ, लेकिन तुम स्कूल के लिए जरूर लेट जाओगे। चल बेटा चल, जल्दी जल्दी चल। हरी अब बेटा, तुमने बुक्स रख ली है ना? हाँ, और आपका गाइड बुक? हाँ, मेरे बाप रख लिया है। आशा ताई, आशा ताई, आशा ताई। अरे क्यों चिल्लाते हैं दोनों बाप बेटे, बहरी हूँ क्या मैं? आशा ताई, जॉन आए तो 6 अंडे और ब्रेड ले लेना। झंडे? पर 15 अगस्त को तो अभी टाइम है। झंडे नहीं, अंडे ले लेना। देना? क्या देना? मुझे किसी को कुछ नहीं देना। अरे जॉन अंकल आएंगे ना तो 6 अंडे और 1 ब्रेड ले लेना। हाँ। ले लेना। ए चिल्लाता क्यों है? मैं बहरी हूँ क्या? बहुत बदमाश हो गया तू। आपसे थोड़ा कम। अच्छा, बोलने भी लगे हो।
ओके राहुल बेटा, ओके पापा बाय, बाय जाऊंगा, जल्दी जाना, बाय पापा, चलता हूँ मैं। हाय जंबो, पता है सब पता है, आज मेरी नई टीचर आने वाली है मिसेस गोम्स, पटापट खा ले, वो बहुत गुस्से वाली है, अब मैं निकलता हूँ, बाय बाय। राहुल तुम लेट हो हमेशा की तरह, मेरा नाम जानते हो ना? हाँ, स्कूल मॉनिटर ईशा जादूगरनी। राइट, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें क्या कर दूंगी? हाँ, चूहा बना दोगी। अगर तुम इसी तरह रोज स्कूल में लेट आओगे तो मैं तुम्हें चूहा क्या मच्छर बना दूंगी, इससे अच्छा गायब कर दूंगी। अब मैं जाऊँ, मेरी नई टीचर आई है। नई टीचर के लिए कुछ गिफ्ट लिया? नहीं। तो फिर ये लो, जाते ही देना। मनीष। यस मिस। गौरव। यस मिस। स्वाति। यस मिस। राहुल। राहुल। यस मैम। लेट। सॉरी मैम। कम इन, ये तुम्हारा हाथ में क्या है? आपके लिए गिफ्ट है मैम। ओह हाउ स्वीट। ये क्या है? सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था। वेरी नॉटी, चलो बैठो। हाँ तो बच्चों, राहुल ये क्या कर रहा है तुम? ड्राइंग बना रहा हूँ। ये ड्राइंग का टाइम है, चलो इसको बैग में रखो, गिव मी। ओह गॉड, इट्स अ फ्रॉग। टीचर आपने क्या किया, मेरा फ्रॉग निकल दिया। ये नहीं काटेगा। तुम बहुत शरारती है, बैग में फ्रॉग लाता है। और निकाला तो आपने था ना मिस? शट अप, कल अपनी मम्मी को स्कूल लेके आओ, मैं शिकायत करेगी उसे। साइलेंस। अब क्या हुआ? मिस इसकी तो मम्मी नहीं है। हाँ मम्मी नहीं है, कहाँ गई वो? इसको छोड़ के चली गई वो। क्यों? वो गंदी थी ना। राहुल, मम्मी को गंदी नहीं बोलते बेटा। वो मुझसे प्यार नहीं करती थी ना। ओह। बाय बच्चों। बाय टीचर। राहुल की मम्मी गंदी। राहुल की मम्मी
You were fantastic. Thanks. लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से है। पापा, मम्मी गंदी क्यों होती है? राहुल, सूप ठंडा हो जाएगा। वो मुझे छोड़ के क्यों चली गई? बेटा, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं ना? राहुल, चलो शुरू करो अब। भूख नहीं है। राहुल। बेटा, मैं आपको प्यार नहीं करता। मैं आपकी हर चीज का ख्याल नहीं रखता। मैं भी तो रखता हूँ ना। हाँ, रखते हो। फिर क्यों तुम? बेटा, तुम्हारे पास मैं हूँ और मेरे पास तुम हो। हमें और किसी की जरूरत नहीं है। बेटा, तुम्हें याद है ना हमारे बीच का वादा? तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं ला कर दूंगा, कुछ भी। लेकिन तुम उस औरत की बात नहीं करोगे। वो गंदी थी बेटा, नहीं प्यार करती थी हमसे, बहुत तकलीफ दिया उसने हमें। आई हेट हर। उसकी बात हम कभी नहीं करेंगे, राइट? राइट। क्या बात है बेटा? Come on, son. कुछ नहीं पापा। Hey, come on. चलो घर चलें। अरे आकाश बाबू, मैं तो आप ही के घर जा रहा था। ये लो आपकी चिट्ठी। आपको याद दिलाया जाता है कि राहुल को 5 साल का होने में अभी सिर्फ 1 महीना बाकी है। नवंबर 15 सन 2001 को अदालत राहुल को इंटरव्यू करेगी और उसकी इच्छा से निर्णय करेगी कि राहुल किसके पास रहेगा। मेरी क्लाइंट मीरा शर्मा की अर्जी अदालत में दाखिल हो चुकी है और हम आपको आगाह कराना चाहते हैं कि आप निश्चित रूप से उस तारीख पर राहुल को अदालत में पेश करें। अदालती नोटिस आपको मिल जाएगी। एडवोकेट सी के मिस्त्री। किसकी चिट्ठी है पापा? किसी की नहीं बेटा। कम ऑन, घर चलिए। आंधी तूफान आएंगे आकर, लेकिन गुजर जाएंगे। तू हाथ मेरा नहीं छोड़ना, हम दोनों वरना बिछड़ जाएंगे।
ये दुनिया कभी तो हंसाती है कभी तो रुलाती है, वाह रे वाह रे वाह, 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 वाह 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 वाह। पता है मुझे सब पता है। जब डिवोर्स होता है ना तब सब ऐसे ही बोलते हैं। डिवोर्स वो क्या होता है? तुम्हें कुछ पता भी है कि नहीं? सब पता है पर ये डिवोर्स नहीं पता है। स्टूपिड, तुम सीरियल नहीं देखते? सबसे पहले मम्मी डैडी मिलते हैं, फिर लव करते हैं, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर फाइट करते हैं, और फिर वहाँ जाते हैं। उस घर में क्या होता है? स्टूपिड, वो घर नहीं कोर्ट है। वहाँ काला गाउन पहने एक अंकल बैठते हैं और मम्मी डैडी उस अंकल के सामने फिर फाइट करते हैं। फिर अंकल बोलते हैं साइलेंट साइलेंट, एक हथौड़ा मारते हैं और बोलते हैं डिवोर्स, बस मम्मी डैडी अलग हो जाते हैं। अरे जॉन जल्दी करना। अरे अखा पंचगनी से लेकर माँ बलेश्वर तलक जॉन डिमेलो से बड़ा अंडा अगर कोई तुमको देना तो आप उनको बोलना। ओके ये लो। ठीक है। अरे राहुल बाबा। हाय जॉन अंकल। हाय राहुल बाबा, इधर क्या करता है मैन? तुम्हारा सामान तो अपन आशा ताई को देकर आया ना। मेरी समझ में नहीं आता आप लोगों ने क्या तमाचा लगा रखा है। अभी आता है बाबा। देखिए, हमें कुछ नहीं सुनना है। अरे सिस्टर, आप के पास जाऊंगा। सही है, भरोसा है सिस्टर, भरोसा है। मैं जिगर खराब करने वाला हूँ सिस्टर। ये राहुल, क्या हुआ बाबा? क्या हुआ? वो अंकल। कौन वो? आप लोगों का मुझ पे भरोसा है? अरे ए बाबा। ओके, अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। ठीक है। अरे जॉन, एक पैकेट सिगरेट देना। ये लो मैन। कौन था ये लोग? अरे डाइवोर्स केस था, मिस्टर मिसेस शर्मा कोर्ट में ही लड़ पड़े। जज साहब क्या करते, डाइवोर्स दे ही दिया। माय गॉड, ये कौन है? ये अपना राहुल है। आजा बेटा। स्वीट बॉय है ये राहुल बाबा। अरे क्या वकील साहब, बच्चा को डरा दिया। राहुल। गुड इवनिंग सर। आपके कपड़े मैंने बाथरूम में रख दिए हैं पापा। जब तक आप बात लेंगे तब तक मेरा मैथ्स होमवर्क भी हो जाएगा पापा। आज हुआ क्या है इसे? भारत सरकार ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया है। आज मैं सूप पी लूंगा और ब्रेड भी। क्या बात है, आज आप ज्यादा ही अच्छा बिहेव कर रहे हैं। पापा, अब मैं ऐसे ही रहूंगा। अच्छा, लेकिन क्यों? फिर मैं अच्छे से नहीं रहूंगा तो आप मुझे डांटेंगे। हो सकता है। आप मुझे डांटेंगे तो थोड़ा गुस्सा मुझे भी आएगा। फिर मैं फाइट करूंगा तो हमारी कट्टी हो जाएगी। तो फिर हम बात नहीं करेंगे और उस बिल्डिंग में जाएंगे। कौन सी बिल्डिंग, क्यों जाएंगे? वो काले कोट वाले अंकल की बिल्डिंग जो फाइट करने वाला को डिवोर्स कर देते हैं। डिवोर्स? किसने बोला तुमको सब कुछ? मुझे सब पता है। मैं फाइट नहीं करूंगा तो डिवोर्स कैसे होएगा? राहुल, कैसी बात करते हो बेटा? मैं आपसे प्यार करता हूं ना, और जब कोई किसी से इतना प्यार करता है तो वो डिवोर्स नहीं देते। मम्मी आपसे प्यार नहीं करती थी ना, गंदी थी ना वो फाइट की थी ना आपसे। बेटा, हम उसकी बात नहीं करेंगे ना। ओके पापा। गुड, मैं हूँ ना आपके पास। मैं भी तो हूँ ना आपके पास। I love you बेटा। छेड़ना मुझको।
तेरी झील सी आंखें हैं तेरी, डूब जाने दे मुझे, छेड़ना मुझको मेरे महबूब, जाने दे मुझे, हम है वहां पर ये हवा भी ना रहे, और थोड़ा पास आने दे मुझे, तेरी डूब जाने दे मुझे, ला 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 ला। मीरा, अगर आज तुमने इस गेट के बाहर कदम रखा तो दोबारा लौट कर नहीं आ पाओगी। ये आदमी तुम्हारे लायक नहीं है बेटी, अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में मत मिलाओ। तुम्हारी दौलत हासिल करने के लिए इस टच्चे ने तुम्हें अपने जाल में फंसा है। मीरा, बड़ी भूल कर रही हो तुम। रुक जाओ मीरा। कोई तुम्हारी बेइज्जती करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो मेरे मां और भाई क्यों ना हो। क्या कर रहे हैं आप? मैं बटरफ्लाई पकड़ रहा हूँ। आप एक मिनट ये पकड़िए। श्योर। सॉरी। इट्स ओके। क्या करेंगे अपन तितलियों का? मैं ना घर के बाहर है ना, गार्डन है वहाँ रखूंगा। अच्छा? हाँ। कहाँ है आपका घर? वो वहाँ। वहाँ? हाँ। ओके बटरफ्लाई बॉय।
बाय बाय। और ये है महाबलेश्वर का फेमस किड्स पॉइंट। यहाँ से आप सह्याद्री की सारी पहाड़ियाँ देख सकते हैं। इन्हीं पहाड़ियों के बीच छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। आकाश भैया, आकाश भैया, देख लीजिए, लगता है वहाँ पे वो रघुवंश ट्रांसपोर्ट वाले फिर से गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए, अरे रुक जाओ, रुको। सुबह से अब बस बहुत हो गया। अरे भाई साहब, क्या हो रहा है? मिस्टर आकाश, हम आपकी बस छोड़ रहे हैं। आप हमारा गला काट रहे हैं, दुगने पैसे में आधा घुमाते हैं, वहाँ लंच भी फ्री मिलता है। हाँ, लेकिन बुकिंग तो आपने हमारे यहाँ की थी ना, तो पैसे वापस कर दो ना इनके। देखो, ज्यादा बकवास मत कर रहा तुम। बकवास तुम कर रहे हो, एक तो पैसे ज्यादा और ऊपर से ये रॉब। यही हाल रहा तो ताला लग जाएगा राहुल कंपनी को। ताला राहुल कंपनी को? भैया ना, वो तो लगना ही है, आज नहीं तो कल। चाहे तो अपनी बस हमें भेज दो। हम ऐसी धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे, सारा धंधा चौपट हो जाएगा। बेटा आप बस थोड़ी देर यहाँ बैठ के ड्राइंग बनाओ, फिर मैं आपको ईशा घर ले चलूंगा, ठीक? अरे हम तो कहते हैं स्ट्राइक कर ही दीजिए, तभी तो अफसर लोगों की आंखें खुलेंगी। भाई आप लोग ही बोलते रहेंगे या आकाश जी की कुछ सुनेंगे? जब तक हम सबों के बीच में एकता नहीं है तब ये तक लीजिए। फीला जी भी आ गई हैं। नमस्ते भाइयों, ये है सुमन ट्रांसपोर्ट की मालकिन। सुमन ट्रांसपोर्ट? लेकिन वो तो जी मेरे पिताजी अब नहीं रहे, इसलिए सारा कामकाज मैं ही देख रही हूँ। मैं एकता की बात कर रहा था। और यहाँ शीला जी भी आ गई। वाह जी, आप कुछ कह रहे थे। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऐसा कैसे चलेगा, आप हम लोगों की लीडर है, रास्ता बताइए। मैं तो कहता हूँ स्ट्राइक कर ही दो बस। नहीं, मेरे ख्याल से गलत होगा। रघुवंश ट्रांसपोर्ट वाले तो यही चाहते हैं कि आप अपनी एजेंसीज बंद कर लें और वो लोग अपना जाल फैला दें। मैं ये कह रहा था कि हम सब के बीच में एकता नहीं है, और जब तक हम सब लोग मिलकर टूरिस्ट को नए रेट्स और फैसिलिटीज नहीं देंगे या इस बारे में कुछ नहीं करेंगे, तब तक रघुवंश वाले हमारे बना ली है। हाँ बेटा एक मिनट, तब तक रघुवंश वाले आप मुझे बोले थे कि आप मुझे ईशा के पास ले चलोगे। हाँ बेटा चलते हैं। तो रघुवंश वाले पापा, हमारे साथ आपने प्रॉमिस किया था। हाँ बेटा स्ट्राइक कर ही दो बस। ओहो सरदार जी आप भी। अरे भाई आप इतना इम्पोर्टेंट मीटिंग में बाल बच्चे को काहे लाते हो? तो और क्या करें, घर में औरत है नहीं तो डबल ड्यूटी करना पड़ेगा कि नहीं। बेटा यहाँ हम आपकी ड्राइंग देखते हैं। इट्स ओके, मैं इसे संभाल लूंगा। अरे आकाश बाबू, शीला जी लेडी हैं, वो बच्चे को एक मिनट में बहला देंगी। माफ कीजिएगा, मुझे राहुल के लिए किसी औरत की जरूरत नहीं है। राहुल? यस पापा। बेटा आप एक और ड्राइंग बनाओ, फिर मैं आपको ले चलता हूँ। पहले मैं ये ड्राइंग आंटी को बता दूं। आने दीजिए ना, ये तो बहुत अच्छा घर बनाया आपने, है ना? आप लोग अपनी मीटिंग जारी रखिए, हम राहुल के साथ कुछ करते हैं। मैं कह सी ना, लेडी बच्चे का माइंड समझती है। बिल्कुल सही बोले आप, माँ बिना बच्चा जैसे जल बिना मछली। आपको एक चीज बताऊं? क्या? आइसक्रीम पेंटिंग। आपकी राय एकदम सही है, मैं इस प्लान के बारे में कुछ और सोचता हूँ और हम सब लोग जल्द ही मिलेंगे। राहुल। यस पापा। ये आइसक्रीम, इसे आइसक्रीम पसंद है इसलिए मैंने ला दी। क्यों दी आपने इसे? बाय शीला। बाय राहुल। बाय बाय। बेटा आपने आइसक्रीम क्यों खाई, आपको मना है ना? सॉरी। राहुल बेटा चलो उठो, उठना नहीं है क्या? ओह माय गॉड, कैसे बाप हो तुम आकाश, कोई ख्याल है कि नहीं? भाई अस्थमा है ऐसे, ये पहली बार नहीं कह रहा मैं परहेज करने के लिए, पहले भी कह चुका हूं, और आप हैं कि डॉक्टर अंकल आइसक्रीम मुझे शीला ने खिलाई
और आपने खा लिया हा? ये शीला जी कौन है? वो मेरी फ्रेंड है। अरे ये आपकी जेब में क्या है? अच्छा तो ये तुम्हारे दोस्त की तस्वीर है। ये मेरी मम्मी है। तुम्हारी मम्मी ऐसी दिखती है? हाँ वो गंदी है ना। ये किसने कहा तुमसे? मुझे सब पता है। ए बुजो, डॉक्टर अंकल मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ। बुजो, बुजो, ए बुजो। नहीं आकाश, ये ठीक नहीं हो रहा। क्या ठीक नहीं हो रहा? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कह रहा हूं। राहुल के दिल में इस तरह नफरत भरना नहीं आकाश, नो नो नो, इट्स नॉट राइट एट ऑल। और फिर अब कितने दिन बाकी रह गए हैं राहुल को 5 साल का होने में हा? और तब क्या करोगे जब राहुल की मां अदालत में आकर अपने बच्चे की मांग करेगी? हो सकता है राहुल राहुल कहीं नहीं जाएगा डॉक्टर भंडारी। मैंने उसे इतना प्यार दिया है कि उसे उसकी माँ की कमी महसूस नहीं हो सकती। आकाश तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इसलिए कि तुम उसकी माँ को एक डायन के रूप में उसके सामने पेश कर रहे हो वो अपनी माँ से नफरत करने लगेगा? आकाश ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। जिस दिन वो उससे मिलेगा। मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता डॉक्टर साहब। तुम भूल कर रहे हो, राहुल जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे उसके सवाल और बड़े होंगे। तुम उसे रोक नहीं पाओगे। राहुल को एक माँ की जरूरत है। मेरी बात मानो, अपने अहम को थूक दो और मीरा के साथ डॉक्टर प्लीज, आप अच्छी तरह जानते हैं ये संभव नहीं है। ठीक है, अगर तुम मीरा को राहुल की जिंदगी में नहीं ला सकते तो दूसरी शादी कर लो। दिस चाइल्ड नीड्स अ मदर, इसीलिए तो बेचारा बार बार बीमार पड़ रहा है। और कहीं उसने उससे प्यार नहीं किया तो? आकाश पहले से समझ बूझ कर भी तो बात की जा सकती है ना। एक्सक्यूज मी। यस। ये शीला है। हेलो। ओ आइसक्रीम वाली। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर, मैं नहीं जानती थी। राहुल कैसा है? हेलो शीला। हाय। आइए मैं आपको बुझा। एक्सक्यूज मी। नॉट बैड। मैं समझा नहीं। मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। शीला राहुल की अच्छी दोस्त बन गई है। ओह कम ऑन डॉक्टर साहब, आप भी। मैंने कुछ नहीं कहा। आई डिडंट से एनीथिंग। माय गॉड, जल्दी आने का सब लोग, आज संडे, अपुन को चर्च में जाने का है। हाँ आती हूँ बाबा, आती हूँ। ए आशा ताई प्लीज जल्दी आने का। खाने का? अरे घर में कुछ भी नहीं है खाने का। अरे क्या आशा ताई, तुम भी खा ली पी ली, जल्दी करने का, जल्दी करने का। बाय गॉड संडे मास में अपुन लेट हो जाएगा। आशा ताई। हाँ अंकल, आप संडे को चर्च क्यों जाते हो? ए राहुल बाबा, बाबा प्रे करने को जाता है, लॉर्ड का घर में नहीं जाएगा तो कैसा चलेगा मैन? क्या होता है वहाँ? उधर सब अच्छा होता है मैन, चर्च में अपन प्रे करता है और अपन को सब कुछ मिल जाता है। सब कुछ मिल जाता है? बाय गॉड चलेगा तू? ए आकाश मैन, अपन राहुल को चर्च में लेकर जाता है। इसकी तबीयत ठीक नहीं है जॉन। इसी का वास्ते तो अपन राहुल को चर्च में लेकर जाएगा मैन। अपन मदर मैरी को प्रे करेगा कि हमारा राहुल बाबा को एकदम अच्छा कर दो। बाय गॉड जाएगा बेटा, चलो आजा, अच्छा कपड़ा पहनेगा। जॉन अंकल ये कौन है? बेटे ये मदर मैरी हैं। इनके गोद में कौन है? इनकी गोद में इनके बेटे हैं, जीसस। जीजस अपने मम्मी के पास रहते थे? हाँ बेटा। ये कभी गंदी तो नहीं थी ना? भाई गॉड क्या बोला तुम मैन? अरे मदर भी कभी गंदा होता है क्या? कौन बोला तुमको ये सब? मुझे सब पता है, मेरी मम्मी गंदी है ना। कुछ पता नहीं है तुमको, ये जो तुम अपनी माँ को गंदा बोला ना वो सच नहीं है, वो बहुत अच्छी है। भाई गॉड बहुत प्यार करती है वो तुमको। तुमको कैसे मालूम? अरे अपन जानता है उसको, मीरा उसका नाम, महाबलेश्वर में रहती है, दर फ्राइडे सैटरडे मिलता है ना,
अपन का शॉप लेकर जाता ना उधर महाबलेश्वर में, जब भी अपन उसको मिलता उसकी आंखों में बाय गॉड अपन सिर्फ तुमको ही देखता है। अरे वो माँ है मैन, माँ गंदा कैसा हो सकता है? मुझे ले चलो ना मम्मी के पास। अपन ऐसा नहीं कर सकता। मुझे मम्मी से मिलना है। अच्छा नहीं, तेरे को मालूम तेरा डैडी कितना गुस्से वाला, वो तेरा मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, हेट करता वो उसको। देख बेटा, अपन चाह के भी ना तेरे को तेरा मम्मी के पास नहीं ले जा सकता। चल बेटा, अपन गॉड से प्रे करेगा, गॉड सब ठीक कर देगा। अच्छा 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 बाबा, कैसा है? अच्छा हूँ, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं राहुल बाबा, ये जो गाड़ी है ना, हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम, ये गाड़ी एकदम से झटका देता है। इधर बैठ, स्कूल जाता है? हाँ, आज तो आपका महाबलेश्वर का दिन है ना? लेकिन वो अपन का गाड़ी नहीं, आज अपन महाबलेश्वर नहीं जाएगा। आज फिर आप मम्मी को नहीं मिलोगे? अरे परसों मिलेगा ना अपन तुम्हारा मम्मी को, अपन जाता ना दर मंडे को महाबलेश्वर में तो अपन मिल। ए, मम्मी को कुछ बोलने का? नहीं, जब मिलेगी तो खुद बोल दूंगा। राहुल। यस पापा। अरे आज इतनी जल्दी? पापा आज मंडे है, पीटी क्लास, आप हर रोज भूल जाते हो। ओह सॉरी बेटा। मैं आपका शर्ट निकाल दिया है और जूस भी, और तुम्हारा ब्रेकफास्ट कर लिया है और दूध भी पिया है। बाय पापा। बाय बेटा। बाय, संभल के जाना बेटा। ओके। माय गॉड, ए जल्दी आने का सब लोग, महाबलेश्वर जाने का है। अरे काय ताई, मनी ऑर्डर आया कि नहीं? आया बेटा, आ जाता ही, आ जा। ए जल्दी जल्दी करो सब लोग, जल्दी जल्दी। ए इतनी जल्दी काय को कहते तू? आप उन दफ फास्ट चलेगा, कहीं टक्कर होगे तू। अच्छा अच्छा बाबा, अरे तेरा तो वैसे ही टक्कर हो जाएगा, हिलता बहुत है तू। क्या लेने का सिस्टर? क्या लो जी, क्या लेने का? कितनी बार बोला तेरे को टमाटर लेके जाने का? कितना पैसा देने का? तू लेके जाना ताई। अच्छा। लेके जा, मुझे 2 किलो चावल भी देना। अभिष देता सिस्टर। टमाटर ले, लाल लाल टमाटर लेने गए। ए, क्या अच्छा लगा तेरे को?
बच्चे 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 बच्चा नहीं, मैं तेरे को टमाटर लेने को बोली, सवेरे सवेरे चालू हो जाता है। बच्चे बच्चे बाय गॉड, तेरे को क्या लगता है अपन बच्चे का दुकान लगाता है, है? चल हो गया, मैं बोलते बच्चे, हाँ बच्चा बच्चा, अरे इधर बच्चा किधर से आएगा, चलो अंकल जल्दी अपन को जाने का, टमाटर देखने को बोली तो बच्चा नजर आता है, चल घर पे तू। बच्चे कैसे हो जॉन? अपुन अच्छा है, तुम कैसा है? ठीक हूँ, और सब? बाय गॉड बाकी सब मस्त, पन राहुल का बारे में नहीं पूछोगी? कल वो अपुन का साथ में चर्च में गया था, मदर मैरी को देखकर बोला कि जॉन प्लीज मुझे मत बताओ। बाय गॉड कैसा दिल पर पत्थर रख लिया तू, उधर वो बच्चा दिन रात मम्मी का बात करता, मम्मी का बारे में पूछता। आई बेग ऑफ यू जॉन प्लीज राहुल के बारे में कुछ मत बोलो। काय को नहीं बोलेगा, अपुन जानता नहीं तुम कितना प्यार करता उसको, आज तक तेरा आंख का पानी सूखा क्या? अरे मुंह से बोलता नहीं तो क्या अपुन को दिखता नहीं है? बस करो जॉन, मैं सब भूल चुकी हूँ। झूठ, पन वो बच्चा तेरे को नहीं भूला, उसे भूलना पड़ेगा। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम समझती क्यों नहीं हो जॉन? मेरा तब तलक बहुत लेट हो जाएगा, वो आकाश छोटा बच्चा का दिल में तुम्हारे लिए जहर डाल रहा है। जानती हूँ, सब जानती हूँ, इसीलिए सब भूलना चाहती हूँ। तुम राहुल के बारे में मुझे मत बताया करो। मेरा तुम बोलो ना, अपन राहुल लेकर अब भी इधर लेकर आता है। नहीं जॉन, मैं राहुल से अभी नहीं मिलना चाहती।
जानती है तू मुझे कितना याद आती है, क्यों मुझसे दूर दूर जाती है, तू मुझे कैसे भूल जाती है, तू मुझे कितना याद आती है, क्यों मुझसे दूर दूर जाती है, तू मुझे कैसे भूल जाती है, तू मुझे कितना याद आती है। दिन तू मुझे हंसाती थी, प्यार की लाड की तू साथी थी, रात दिन तू मुझे हंसाती थी, अब मुझे रात दिन कैसे हैं? राहुल कैसा है? ठीक है। राहुल के लिए? नहीं, मेरे लिए। रंग कैसा है? रंग तो ठीक है, लेकिन ये साइज आपके लिए थोड़ा बड़ा नहीं होगा? शुक्र है ये तो पता चला, हंसते भी हैं। राहुल को मेरा प्यार दीजिएगा। जी। ठीक है। बाय। राहुल, राहुल बेटा, राहुल बेटा। मम्मी, 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 मम्मी। जवाब देगा। चलो खा। गुड बॉय।
देख तू फिर बेल बज गई ना, अब मैं जाती हूँ मेरे क्या, तू जा अपने क्या। बहुत अच्छी हो। और पापा कहते हैं मैं बहुत स्मार्ट भी हूँ। यस, तुम बहुत स्मार्ट भी हो
और बहुत स्वीट भी। मम्मी यू लव मी? हाँ बेटा, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। तो फिर मुझे छोड़ के क्यों चले गई तुम? मेरे पास क्यों नहीं रहती तुम? तुम्हारे पास पापा हैं और वो नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। क्योंकि आपका डिवोर्स हो गया था ना। तुम्हें किसने बताया ये? मुझे सब कुछ पता है, और तुमने फाइट भी की थी ना। फाइट मैंने नहीं, तुम्हारे पापा ने की थी। कितनी तकलीफ दी थी मुझे, पर आज भी तुमसे तुम नहीं समझोगे बेटा। सारी दुनिया के सामने मुझे क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया। मैंने बेटा सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस आदमी से इतना प्यार किया वो इतने कठोर दिल का होगा। अपने गुस्से और अपनी जिद के आगे वो मेरे बचपन की है। अभी भी ठीक है ना? जब तक नहीं नहीं ले लेते, राहुल को इसी में घुमाया करेंगे। आकाश, सोचती हूँ कुछ दिन के लिए मम्मी के यहाँ हुआ। उनका फोन आया था, राहुल से मिलना चाहते हैं सब। मेरा बेटा उस घर में कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं। आकाश क्यों? आखिर तो शायद तुम भूल गई, उस घर के गेट से निकलते वक्त तुम्ही ने कहा था कि तुम मेरी बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन वो तो सब, और फिर मम्मी ने हमें माफ भी तो कर दिया है। लेकिन मैंने तो माफ नहीं किया है उनको। और सच तो यह है कि जो भी मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगा उसे कभी माफ नहीं करूंगा मैं। अरे मीरा, कल है ना राहुल का जन्मदिन? मीरा, मेरी नीली कमीज कहाँ रखी है? प्रेस के लिए रखी है ना। हेलो सुनीता। आकाश भैया, राहुल का पहला जन्मदिन है इसलिए पार्टी जोरदार होनी चाहिए। बिल्कुल होगी, मैंने पंचगनी का सोशल क्लब बुक करा दिया है। मगर मीरा कहती थी कि उसके घर वाले किसी 5-स्टार होटल में पार्टी कराना चाहते। अरे नहीं, मैं तो मेरे राहुल की पार्टी तो क्लब में ही होगी। हाँ माँ। हाँ मीरा। अच्छा माँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। गुड नाइट माँ। राहुल सो गया? अब इतना लेट आओगे तो क्या होगा? देखो मैं कल राहुल के बर्थडे के लिए क्या लाया हूँ। ये चॉकलेट्स, ये पेंसिल राहुल के मेहमानों के लिए, और ये शर्ट राहुल के बाप के लिए। अरे वाह, और राहुल की मम्मी के लिए कुछ नहीं? राहुल की मम्मी के लिए मैं, आकाश शर्मा। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आंखें बंद करके यहाँ खड़ी हो जाओ। मैं आंखें खोल रही हूँ, बताओ ना क्या है। आंखें बंद रखो, जल्दी बताओ ना। ये राहुल की माँ के लिए। ओह माय गॉड, ये तो वही साड़ी है 800 रुपए वाली। तुम्हें बहुत पसंद थी ना? लेकिन इतने पैसे। सुनो, तुम्हारी घड़ी कहाँ है? वो मैंने बेच दी। 400 रुपए मांग रहा था ठीक करने के। मैंने पूछा कितने दोगे, बोला 800। मैंने कहा लाओ। और तुम ये सब ले आए? राहुल का पहला बर्थडे है ना, और घड़ी तो मेरे पास पुरानी वाली है ही। कितना प्यार करते हो तुम मुझसे। कितना? उस आकाश से भी ज्यादा। क्या बात है मीरा? नहीं, मम्मी का फोन आया था आज। फिर उन्होंने राहुल के जन्मदिन की मुबारकबाद दी होगी। हाँ, और वो कल पार्टी पे आना चाहते थे। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने मना कर दिया, और क्या। ए, तुम क्या समझती हो मैं इतना कठोर हूँ कि एक माँ और बेटी के रिश्ते को भी नहीं समझता? देखो मीरा, मुझे तुम पर, तुम्हारे प्यार पर बहुत नाज है। मैं अपने हर दोस्त को यही कहता हूँ कि हमारी लव स्टोरी इज द ग्रेटेस्ट। अरे कौन सी ऐसी लड़की है जो अपना अमीर घर छोड़ के एक गरीब के साथ रहेगी? उसकी गरीबी और मुश्किलातों में उसका साथ देगी बस एक है, मेरी मीरा। मैं समझता हूँ, अगर राहुल हमारा बेटा है तो उनका भी नाती है। तुम चाहो तो बुला लो मम्मी और रोहित को। ओ आकाश, तुम तो जानती हो मीरा, मैं बचपन से आज तक अनाथ रहकर संघर्ष करता आया हूँ। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कोई मेरी गरीबी का मजाक उड़ाए तो मैं पागल हो जाता हूँ। तुम्हारे माँ और भाई ने भी तो ऐसा ही किया था ना, इसलिए तो नाराज़ हो गया था मैं उनसे। नहीं तो क्या मेरा जी नहीं चाहता कि राहुल की नानी इस घर में आए, राहुल के साथ खेलें और हमारा घर खुशियों से भरा रहे। आकाश तुम कितने अच्छे हो,
ये दुर्भाग्य है कि लोग तुम्हें गलत समझते हैं। जानता हूँ, वो मुझे घमंडी कहते हैं, लेकिन मैं स्वाभिमानी हूँ, अहंकारी नहीं। अच्छा चलो, मम्मी को फोन करो, मुझे भी कल की पार्टी का इंतजाम करना है। केटर से भी बात करनी है कि समोसों और वेफर्स का क्या हुआ। अरे हाँ भाई, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। हाँ हाँ, वक्त पे आने से उनकी इज्जत जो घटती है। मीरा प्लीज, चलो केक काट। चलो बच्चों। मम्मी और भैया आ गए। मीरा, कितनी देर कर दी मम्मी आपने। अरे घंटे भर से चक्कर लगा रहे हैं, किसी को पता नहीं इस जगह का। कैसे फर्नीचर क्लब में पार्टी रखी है तुमने मीरा, समर प्रताप सिंह के नाती के लिए। बस तो भैया, और हम खाली हाथ थोड़ी आते भाई, हमारे राहुल का पहला जन्मदिन है, जन्मदिन पर आने वाले हर शख्स के लिए तोहफा लाए हैं। बहादुर, गिफ्ट टेबल पर रखो और बच्चों में बांटना शुरू करो। अरे राहुल कहाँ है, राहुल को ले आ। मैं भी लेके आती हूँ। अटेंशन प्लीज। अरे मैं साल साहब और मांझी के लिए कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स लाओ। आकाश तुम भी आओ ना। हाँ भी आया। ये आया मेरा राहुल बेटा। ये कैसे कपड़े पहना है तुमने, जाओ ये पहना लो। बस अभी लाती हूँ। अरे जीजा जी, कहाँ आप हमसे इतनी दूर, आइए ना। लगता है आप हमसे अभी नाराज हैं। अरे पर देखिए ना, हम सभी के लिए गिफ्ट लाए हैं। थैंक्स, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी इतना सब कुछ। ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सूट देखेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। सूट मेरे लिए? अब बुरा मत मानना बेटे, लेकिन हम राहुल के लिए सिंगापुर से सूट ले आए तो आपको कैसे भूलते। पहन लीजिए जीजा जी, राहुल के साथ आपकी फोटो अच्छी आएगी। क्यों मीरा, अच्छा लग रहा है ना आकाश पर? हाँ, पहन लो ना आकाश। पहन लीजिए ना जीजा जी, ताकि हम भी आपके साथ फोटो खिंचवा सके। अरे कितना प्यारा लग रहा है हमारा राहुल। वैसे एक बात कहूँ, सच पूछिए तो आकाश और आप लोगों का कोई मेल ही नहीं है। अब क्या करें, बेटी की मोहब्बत है तो सहनी पड़ी। हाँ। वैसे हम कहाँ राजी थे इस शादी के लिए, मीरा के लिए तो आज तक रिश्ते आते हैं, लेकिन उसकी किस्मत में अगर यही है तो हम क्या कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। ये क्या है सर, ये पीके केटर से, ये इतना खाना किसने ऑर्डर किया है? मेरे जीजा जी। बेटा यूं मेहमानों को रूखा सूखा तो खिला नहीं सकते ना। कितना बिल है सर? 10,300। कितना? 10,300 सर। नहीं है कोई बात नहीं, हम है ना। सब रख लो। थैंक यू सर। आइसक्रीम और स्वीट्स का क्या हुआ? अरे हाँ आकाश, लगता है तुम स्वीट्स का ऑर्डर देना भूल गए। लगता है तुम भी बहुत कुछ भूल रही हो। आकाश सुनो तो। मीरा। आई मॉम। ये भी कोई केक है? बहादुर इस गंदगी को उठाकर डस्टबिन में फेंक दो। जी सर। इसे कहते हैं केक। बस बहुत गलती की मैं तुम लोग को यहाँ बुलाकर, तुम लोग कभी नहीं सुधरने वाले, कभी नहीं। आकाश, आकाश, ये क्या कर रहे हो आकाश? ये तो मैं। आकाश, stop it! पागल हो गए हो क्या तुम? मेरे भाई को मारा तुमने? भाई दोस्ती करने चले थे हम तो, ये इनाम मिला है। क्या कहें? बहन की पार्टी है ना, मार तो सहनी ही पड़ेगी। एक काम करो यार, और मार लो, मगर ज्यादा तमाशा मत करो। ए, चुप कर, वरना वाकई में और मारूंगा। बस बहुत हो गया आकाश, बहुत। शट अप, तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगा, पहले तुम लोग आउट। नहीं, नाउ। ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। क्या कहा तुमने? आकाश दिस इज नॉट डन। भरी पार्टी में तुमने मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाया, ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए। बहन की पार्टी है। ये क्या बात हुई मीरा, अगर हमसे लेकर कोई परेशानी है तो हमें क्यों बुलाया पार्टी में? माफी मांगो मेरे भाई से। What? Say sorry to my brother. तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दिमाग तुम्हारा खराब है। आज तक मैं हर चीज बर्दाश्त करती रही, सब कुछ छोड़ दिया मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन आज ये बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करूंगी। माफी मांगो मेरे भाई से। नहीं तो? नहीं तो मैं कुछ भी कर दूंगी आकाश। क्या समझे तुम, ये सड़क पे पड़ी है, इसके माँ और भाई अभी जिंदा है। चल मीरा, चल हमारे साथ। राहुल कहीं नहीं जाएगा। राहुल मेरे साथ, आकाश तुम ऐसा नहीं कर सकते। राहुल नहीं जाएगा, बस। रहने दे मीरा, यहाँ नहीं देगा तो अदालत में आके देगा। राहुल इससे तुम्हें देना ही होगा। नहीं, दे दे, दे दे, चल, चल।
चलो मीरा चलो, प्लीज आकाश, चलो सी यू इन कोर्ट। आकाश प्लीज, आकाश आकाश प्लीज मत करो ऐसा। तुम्हारे बिना एक पल भी जीना मुश्किल था बेटा, लेकिन तुम्हारे पापा गुस्से में जान लेने की धमकी देते रहते। मैं बहुत डर गई थी और अंत में तुम्हारी हिफाजत के लिए ही मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा। मीरा शर्मा, अपने बच्चे राहुल को आकाश शर्मा के पास छोड़ने के लिए आप पर कोई दबाव तो नहीं डाला गया? जी, मुझे डर है कि अगर राहुल मेरे पास अभी आया तो शायद ही कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अदालत आपके कस्टडी क्लेम को ध्यान में रखते हुए ये फैसला करती है कि राहुल 5 साल की उम्र तक अपने पिता आकाश शर्मा के साथ रहेगा। 5 साल के बाद ये अदालत आप दोनों के साथ साथ राहुल से भी बात करेगी और तभी उसकी कस्टडी का फैसला करेगी। बस, और तुम उनके साथ रहने लगे। मीरा कहाँ है तू बेटा? नवीन कब से तेरा इंतजार कर रहा है? ये कौन है? ये यहां कैसे आया? मुझसे मिलने आया है। राहुल, ये तुम्हारी नानी माँ है। चलो मीरा, नवीन कब से बैठा है? तुम यही खेलो। राहुल मैं अभी आई। बहादुर जी, मैम साहब, जरा बच्चे का ध्यान रखना जी, उसे बिस्किट वगैरह देना जी। मैम साहब आओ मीरा। हेलो बहादुर अंकल। हेलो बाबा। हाँ सच में। हाय हाय। वाह वाह वाह, एक दूसरे के सामने आते ही दोनों के चेहरे यूं खिल उठते हैं भैया कि क्या कहें। प्लीज। अच्छा अच्छा, शर्माओ मत। अरे बहादुर, चुक चुक, चाय लाना। जी अभी लाया। आप नाश्ता करो, मैं अभी आया। सच, मैं भी तरस गया हूँ एक प्यारे से छोटे से भांजे के लिए। और क्या कॉम्बिनेशन होगा, राय बहादुर समर प्रताप सिंह का नाती और गिरधारी लाल मल्होत्रा का पोता। भैया यू आर द लिमिट। नवीन तुम एक बार पूछ कर तो देखो, मीरा शादी के लिए जरूर हाँ कर देगी। आप कह रही है तो मैं पूछ ही लेता हूँ। मीरा जी, क्या आप इस नाचीज से शादी करेंगी? कौन है ये? हेलो, नवीन मल्होत्रा। हेलो। और ये है राहुल। ओह यस, अब याद आया। बटरफ्लाई बॉय, राइट? राइट। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? ऑफ कोर्स। क्यों मिस्टर, कैसी है तुम्हारी वो गार्डन की तितलियाँ? अब विंटर है ना, तो वो सो रही है। सो रही है? कब जागेंगी वो? स्प्रिंग में। स्प्रिंग में? चलो बेटा, तुम्हें बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हें छोड़ाऊं। बाय अंकल। बाय बटरफ्लाई बॉय। बाय बाय। बहुत देर हो गई है बेटा, सच में। बेटा, तुम अपने पापा को कभी मत बताना कि तुम मुझसे मिलने मेरे घर आए थे। मुझे पता है, वो बहुत गुस्सा करेंगे। तुम्हें बिल्कुल नहीं पता तुम्हारे पापा कैसे आदमी हैं। गुस्से में वो आदमी कुछ भी कर सकता है, उन्हें पता चला तो तुम्हें बहुत मारेंगे, फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे। एक बात और बेटा, प्रॉमिस करो तुम मुझसे मिलने मेरे घर कभी नहीं आओगे। कभी नहीं? तो फिर आप मेरे घर आओ ना। नहीं बेटा, मैं उस घर में कभी नहीं आऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा से कभी नहीं मिलना चाहती। तो फिर मैं कैसे मिलूंगा आपको? मैं आऊंगी ना बेटा,
आपसे मिलने स्कूल में। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। आई लव यू मम्मी। आई लव यू बेटा। हाय जंबो, बता मैं किससे मिलकर आया हूँ? अपनी मम्मी से, और वो गंदी नहीं है। बाय। वो आ गया। इतनी देर कहाँ लगा दी बेटा? वो क्या है ना, जंबो के साथ खेलने लगा होगा। हेलो डॉक्टर अंकल। हेलो बेटा। हेलो शीला। हाय राहुल। हाय। बेटे सच बताना, वो कौन सी चीज है जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए? मम्मी। आहा, हमें मालूम था, इसीलिए हमने आपके लिए नई मम्मी ढूंढ ली। ये मम्मी थोड़ी है, ये तो शीला है। बेटा बड़ों को नाम से नहीं बुलाते। हाँ इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। पर आप तो मेरे फ्रेंड है ना। बिल्कुल ठीक, अभी फ्रेंड है फिर मम्मी बन जाएगी। नहीं, मुझे ये मम्मी नहीं चाहिए। राहुल, आकाश, इट्स ओके। देखो उसे मुझे मां समझने में कुछ तो वक्त लगेगा ना। बेटा आप ही कहते थे कि मम्मी चाहिए, और मैं आपके लिए मम्मी ला रहा हूं तो। बेटा मैं कोई अपने लिए शादी थोड़ी कर रहा हूं, तुम्हारे लिए तो मां। लेकिन ये मम्मी मुझे नहीं चाहिए। बेटा वो बहुत अच्छी है और आपसे बहुत प्यार करेगी। लेकिन ये मेरी माँ नहीं है। राहुल अब यही तुम्हारी माँ है। ऐसा कैसा गाड़ी का पीछा भागता? बाय गॉड किधर जाने का? मम्मी के पास। क्या बोला? मम्मी के पास। मम्मी का पास? वो नहीं नहीं नहीं, अपन तुमको तुम्हारा मम्मी के पास में लेकर नहीं जा सकता। बाय गॉड तुम्हारा डैडी हमको मार डालेगा। वो अपन तुमको तुम्हारा घर में वापस छोड़ेगा। प्लीज मुझे मम्मी के पास ले चलो। फैंटास्टिक, अब दिखाना खरबूजे का रंग। इसके बाप का नाटक तो मैं पहले दिन से जानता था। लेकिन तुम क्यों फिक्र करती हो? जिस दिन ये 5 साल का हुआ इसे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता मीरा। और फिर नवीन भी तो कितना चाहता है इसे। पर मैं तो अपने पापा के पास लेना चाहता हूँ। अरे तो फिर यहाँ क्यों आया है? मुझे मम्मी भी चाहिए। बेटा बेटा ये नहीं हो सकता, तुम्हारे मम्मी पापा अलग हो चुके हैं ना, और फिर अब तुम्हारे पापा दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो फिर तुम पापा से शादी कर लो ना। जॉन तुम तो जानते हो आकाश को, उसे जरा भी भनक पड़ गई कि राहुल मुझसे मिलने आया था तो न जाने क्या कर देगा। प्लीज इसे ले जाओ। चलो राहुल बाबा, चलो चलो बेटा। मम्मी प्लीज मुझे दूसरी मम्मी नहीं चाहिए। मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज।
मुझसे दूर दूर जाती है, तू मुझे कैसे भूल जाती है, तू मुझे कितना याद आती है, क्यों मुझसे दूर दूर जाती है, तू मुझे कैसे भूल जाती है। हाय हाय राहुल, कैसा है? बुखार उतर गया। हाय हाय, कैसे हो? अच्छा हूँ। अच्छी हूँ। देखो हम आपके लिए क्या लाए। थैंक यू बोलो बेटा। थैंक यू शीला। आपको गिफ्ट अच्छी लगी? जल्दी जल्दी बांधो, उठ जाइए। ठीक है? ये लो। क्या हुआ? क्या हुआ आकाश? अरे आकाश भैया, इतने सालों बाद, कहो कैसे हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बस अपनी गाड़ी तो खिसक रहा है धक्के मार के, अपनी कहो। मीरा दीदी तो टाइम टू टाइम आती रहती है, बस तुम ही हो जो बिसर गए। भैया बातें ही करते रहेंगे, भुट्टा भी खिलाएंगे। अरे बातें में तो स्वाद है मैडम, वरना ये भुट्टा में का रखा है। लो ये लो, ये तुम लो। अच्छा आकाश भैया, राम राम। राम राम। अब तो आकाश भैया आते रहोगे ना? कभी कभी लगता है कि तुम मीरा को अब तक भूले नहीं हो, बहुत प्यार करते थे उससे। जानना चाहती हो तो? हाँ, बहुत प्यार करता था मैं उससे, मगर प्लीज अब याद मत दिलाओ मुझे उसकी, बस। एनुअल फंक्शन को सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और दीवारों की हालत देख रही हैं आप? मैम इट विल बी डन। और इनविटेशन कार्ड उसका क्या होगा? मैम इट विल बी डन। रिहर्सल हो गई? मैम इट विल बी डन। आई मीन हो रही है। राहुल क्या करता तू? चल। Give me a song to sing, give me a song to sing. Give me a bell to ring, give me a song to sing, give me a song to sing. Give me a bell to ring, give me guitar to play, give me guitar to play. Give me a God to pray. राहुल बहुत मिस किया मैंने आपको बेटा। मैंने भी। शीला आंटी ने भी दिया।
अच्छा, कैसी हैं वो? अच्छी है। बहुत प्यार करती हैं तुमसे? हाँ। राहुल, कहाँ हो तुम? स्टूपिड, रिहर्सल्स नहीं कर ले क्या? ये ईशा है ना? हेलो आंटी। हाय ईशा। यू आर सो ब्यूटीफुल। यू आर आल्सो वेरी प्रिटी एंड थैंक यू राहुल का ध्यान रखने के लिए। राहुल, राहुल तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना? अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। ओके, बाय बेटा। बाय मम्मी। बाय ईशा। बाय आंटी। ये मम्मी तो गंदी हो ही नहीं सकती। पर वो मेरे साथ नहीं रह सकती। क्यों? तुम्हारी सौतेली मम्मी जो आ रही है, अब क्या करेगा? पता नहीं। स्टूपिड, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। वेलकम। आई अंकल, आंटी आपकी सीटियां हैं। थैंक यू बेटा। स्टूपिड, मम्मी आई क्या? स्टूपिड, तुझे आदर, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ। आप क्या करें? ईशा, ईशा, ये अंकल। बेटा, हमें ये दोनों सीट इकट्ठा नहीं मिल सकती? नहीं अंकल, वो सीट तो रिजर्व्ड है। इट्स ओके। थैंक यू बेटा। थैंक यू। Good morning, daddies. Good morning, mommies. Good morning, everybody. Good morning. To play. Give me a God to pray. Give me a book to read.
bro. Say yes, come on, don't say no. मम्मी मम्मी बहुत अच्छा किया बेटा आपने. थैंक यू. मुझे अच्छा लगा. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. थैंक यू मम्मी. राहुल. हेलो शीला. हेलो शीला. चलो यहाँ से. सुनो, आपने मुझसे कुछ कहा? मैं राहुल से. राहुल? कौन राहुल? और आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आकाश प्लीज, इनविटेशन मेरे पास भी आया था. मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि आपने इनविटेशन कैसे हासिल किया होगा. और वैसे भी ये स्कूल किसी राय बहादुर समर प्रताप सिंह के डोनेशन से नहीं चलता. आकाश प्लीज, समझने की कोशिश करो. समझ ही तो रहा हूँ, तुम्हारी हर गंदी चाल समझ रहा हूँ. तुम क्या समझते हो तुम मेरे और राहुल के बीच में इस तरह बात हो क्या? आकाश, तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते मुझसे. आखिर माँ हूँ मैं. शट अप. और दोबारा उस रिश्ते का हक जताया तो बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें. चलो शीला. और हाँ, राहुल से मिलने दोबारा स्कूल में आई तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा. समझी? इट्स अ शेम. तुम दोनों ने राहुल के सामने इस तरह. नो 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 नो, दिस इज नॉट द राइट थिंग. इट्स नॉट राइट एट ऑल. लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैं गलती या सही की बात नहीं कर रहा आकाश. तुमने कभी सोचा है कि उस मासूम पर क्या असर पड़ा होगा? आई एम वरीड अबाउट दैट चाइल्ड. आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू. देखो आकाश, तुम शीला से शादी क्यों नहीं कर लेते? घर में मां आ जाएगी तो राहुल का मन बदल जाएगा और फिर तुम्हारे लिए कस्टडी का केस भी स्ट्रांग हो जाएगा. जज पक्का इस बात को तुम्हारे हक में लेगा क्योंकि मीरा सिंगल है. आज से ठीक सातवें दिन सर्वोत्तम तिथि है कार्तिक पूर्णिमा की. लगन फलदायक होगा. क्या विचार है आपका बहन जी? हमारे लिए तो सब दिन शुभ हैं डॉक्टर साहब. आकाश तुम? जी मैं शीला से कुछ बात करना चाहता हूँ. नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. मैं बस. आप कुछ चिंतित लग रही हैं बहन जी. चिंता तो होती है भाई साहब, शीला की शादी को लेकर एक बार पहले भी. देखिए आप पुरानी बातें भूल जाइए. आकाश और शीला मचौर्ड हैं, जो कुछ भी करेंगे ठीक ही करेंगे. कई दिनों से चाहकर भी आपसे बोल नहीं पा रहा हूं. पता नहीं आप क्या समझेंगी. दरअसल विवाह के संबंध से मुझे डर सा लगता है. सोचता हूं आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरा तो. मैं आपकी बात कुछ कुछ समझ सकती हूं, लेकिन सच मानिए तो मैंने भी सृष्टि की शुरुआत उम्मीदों से नहीं की. लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राहुल ही मेरा जीवन है.
और उसकी जरूरत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। राहुल मुझे भी बहुत प्यारा लगता है। थैंक यू शीला। अच्छा तो शादी की डेट भी पक्की हो गई? हाँ अब तो वो आ जाएगी। मैं आएगी स्टुपिड, मैं हूँ ना, मुझे कुछ सोचने दे। तुम क्या करोगी? स्टुपिड मैं जादू करूँगी, मैं अपने जादू से मुर्दे को भी जिंदा कर दूँ। सच्ची? तो फिर मेरे मम्मी पापा को मिला दो ना। मिला दूंगी, पहले मुझे कुछ सोचने दे। अड़िया, दो फूलों को मिलाने के लिए बीच में से कांटा दूर करना ही पड़ेगा। देख परसों जो अंकल की पार्टी है ना, वहाँ तो वो आएगी ही, बस देखना। ए बेबी, अपुन का पार्टी है, खाने का, डांस करने का। ए सिस्टर, मारियो नहीं आया? गोवा गया है ना। ए जॉन, सिस्टर एक्सक्यूज मी। ए आकाश मैन, वेलकम वेलकम, थैंक यू, तुम अपुन का पार्टी में आया। हेलो राहुल बाबा। गुड इवनिंग जॉन अंकल। क्या कर रहा था तू? वहाँ क्या कर रहा था? याद है ना सब कुछ? अगर भूल गया तो मच्छर बना दूंगी। सुना इनके बारे में? सुना इनके बारे में? अरे इनका वास्ते तो मतलब आप सबका वास्ते तो पार्टी रखा है। अरे बैठो, आज तो मजा आ जाएगा। बाय गॉड। ओ झुमके वाली, ओ झुमके वाली, ओ झुमके वाली, ओ झुमके वाली, गालों पे लगा ले कितनी भी लाली, ओ कुछ भी कर ले, सोतन 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 मैं तो अपने पिया की जोगन। चुरा ले मेरी बिंदिया चुरा ले।
सब खेल खराब कर दिया, लेकिन मेरा नाम भी ईशा जादूगरनी है। चल फोन लगा। 751-75। हेलो। हेलो शीला। हाय राहुल, कैसे हो बेटा? क्या बोलूं? पुकारा क्या पुकारा? राहुल सोचा सोचा कैसे हो? बेहोश हो गया। क्या क्या स्टूपिड, बुखार है, बुखार बुखार है। तुमको बुखार है? पापा कहाँ है? पता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आती हूँ, तुम आराम से लेटो। हाँ ओके। स्टूपिड, तुम तो चूहा बनने के भी लायक नहीं हो। तो फिर मच्छर बना दो ना। शट अप, अब ध्यान से सुनो। हेलो शीला आंटी। हेलो। अप्रैल फूल बनाया, अप्रैल फूल बनाया, अप्रैल फूल। हाँ चलो, मैं तो समझती, पता नहीं क्या हो गया। आंटी आप कुछ मत समझिए, आप सिर्फ हमारे साथ यहाँ बैठिए। आकाश अंकल अभी आते होंगे, फिर हम मजा करेंगे। थैंक यू। यू आर वेलकम। तुम्हें अगर एक भी गलती की ना, तो तंगी पर पछताएगा। चल फौरन काम पर लग जा, मैं अंकल से मिलती हूँ। पहुंचा देती हूँ। थैंक यू बेटा, मगर मैं खुद ही ले जाऊंगा। नहीं अंकल, हमारे टीचर ने कहा है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो, भगवान तुम्हारा भला करे, मगर देर मत करना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे ईशा, तुम ये इतना भारी थैला लेकर कहाँ जा रही हो? आप ही के घर जा रही हूँ अंकल। मेरे घर? हाँ, राहुल की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए शीला आंटी ने मुझे शॉपिंग करने भेजा। क्या कह रही हो? अब किचन के सारे बर्तन धो धो कर राहुल बीमार पड़ गया ना। बर्तन राहुल ने धोए? सारे कपड़े उसने धो ही दिए थे, मगर आपकी कमीज पर सिर्फ एक दाग रह गया था। बस बस क्या? काम तो सब उसी को करना पड़ेगा ना अंकल, अगर कपड़े साफ नहीं धोएगा तो थप्पड़ तो खाएगा ही ना। उसे थप्पड़ मारा? दो थप्पड़। ये क्या हो रहा है बेटा? प्लीज मुझे पोछा लगाने दो, मैं तो शीला आंटी मुझे दो थप्पड़ मारेगी। शीला, शीला! क्या हुआ? क्या है ये? My God, राहुल क्या हुआ बेटा? बनने की कोशिश मत करो शीला, अभी हमारी शादी भी नहीं और तुम राहुल के साथ ऐसा व्यवहार करने लगी। ये तुम क्या कह रहे हो आकाश? मैं तो Shut up शीला, मैंने तुम्हें अच्छा समझा था, लेकिन तुम आकाश, this is just not fair, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। Fantastic, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ और तुम कह रही हो कि तुम। अरे अभी तक तू यही है, माफ कीजिएगा मेरा झोला। अंकल। ईशा ये क्या हो रहा है? वो मेरा शॉपिंग बैग लेकर मेरे घर पहुंचाने के लिए आई थी। लाओ मुझे दो बेटा। नहीं नहीं, बाय राहुल। राहुल ये तुम लोगों की शरारत थी ना, अब इसे क्यों डांट रहे? मगर ये इतना शरारती हो गया। कोई बात नहीं, मैं इसे समझा लूंगी। ये मेरा फ्रेंड है। हाँ, है ना? I'm sorry, Sheila. It's okay. राहुल, मैं आपको अच्छी लगती हूँ? तो मतलब मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हुई? मेरी बेस्ट फ्रेंड तो ईशा है। ओह, फिर तो मुझे अपनी मम्मी क्यों नहीं बना लेते? मेरी मम्मी तो है। बहुत सुंदर है,
और मीरा के गले में और भी सुंदर लगेगा। 2.5-3 लाख से कम का क्या होगा? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, लेकिन आज मैं ये फूल नहीं लूंगी। और ये हार? अरे मीरा, I'm sorry नवीन, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन राहुल के बिना मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगी। It's okay, मैं समझ सकता हूँ। Thanks नवीन, तुम कितना कुछ करते हो मेरे लिए और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाती। Please don't say that, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। इसमें लेन देन की बात कहाँ से आ गई? बस अब राहुल की कस्टडी मुझे किसी तरह से मिल जाए। वो हमें जरूर मिलेगा। मैं राहुल को किसी कीमत पर बटने नहीं दूंगा। उसका मेरे बच्चे पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। आकाश, पारसनाथ जी बड़े अच्छे वकील हैं। 20 साल की प्रैक्टिस है इनकी। 25 साल? हाँ 25 साल। जी हाँ, और इन 25 सालों में मैं केवल 3 केस हारा हूँ, ओनली 3। जी, सुना है मैंने आपके बारे में। गुड, जहाँ तक आपके केस का सवाल है, राहुल को हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर जज के सामने राहुल ने सवाल ही नहीं उठता, वो कभी उस औरत के हक में नहीं बोलेगा। वकील साहब, आप सोच भी नहीं सकते उसने मेरे विश्वास को किस तरह तोड़ा था। एक रत्ती भी मेरे स्वाभिमान का ख्याल नहीं रखा। She's a wicked person. मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ऐसी औरतों को मिस्टर आकाश। वेरी डेंजरस। चोरी चोरी मिलने आती थी राहुल के स्कूल में, सोचती थी उसको बहका लेगी। क्या कह रहे हैं आप? वो राहुल से मिलने आती है स्कूल में? ये तो कोर्ट की मानहानि हुई। हम मुकदमा ठोक देंगे, अंदर हो जाएगी। हेलो। हेलो बेटा, कैसे हो? अच्छा हूँ, पापा को दूँ? हाँ। हेलो। अरे भाई, तुम लोग कितने बजे तक आओगे? अब ये लाट साहब तैयार हो जाएं तब ना, जल्दी करता हूँ। अच्छा सुनो, आते आते रास्ते में। हेलो हेलो, चलो राहुल फास्ट जल्दी। राहुल बेटा बहुत हो गया, चलो अब। हेलो। हेलो बेटा, कितनी देर लगा दी मम्मी। सॉरी बेटा, कैसे हो? अच्छा हूँ, तुम्हारी ही ड्राइंग बना रहा हूँ। रियली? राहुल फोन रखो, फोन रखो राहुल। आकाश प्लीज, राहुल की कोई गलती नहीं है, उसे कुछ मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? प्लीज मुझे राहुल से बात करने दो आकाश। शट अप यू ब्लडी। राहुल से अब तुम 7 दिनों बाद कोर्ट में ही मिलोगी और वहां तुम्हारी कोई चाल नहीं चलने वाली। चाल? क्या बात कर रहे हो तुम? मीरा सिंह, राहुल को अपनी मीठी मीठी बातों में बहलाने का नाटक बंद करो, क्योंकि जिस दिन वो इस प्यारे से मुखौटे के पीछे की असलियत जान जाएगा, तुम्हारे साए से भी नफरत करेगा वो। फॉर गॉड सेक आकाश, कौन सी असलियत, कैसा मुखौटा, क्या बता दोगे तुम राहुल को? जस्ट वेट फॉर 7 डेज। राहुल की जिंदगी से तुम हमेशा के लिए दूर जा चुकी होगी। यही तुम्हारी भूल है आकाश, अगर ऐसा होता तो राहुल मुझसे मिलने यहाँ तक नहीं आता। क्या बकवास कर रही हो, राहुल से मिलने तुम उसके स्कूल जाती रही, वो तुमसे नहीं। आकाश, राहुल आया था मुझसे मिलने और वो मुझसे प्यार करता है। राहुल तुमसे मिलने? आकाश, आकाश मेरी बात, तुम्हारे घर गया था? प्लीज आकाश, 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 देखो तुम राहुल को कुछ मत करना। आकाश, डोंट टच माय बॉय। आकाश, 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 आई से डोंट टच हिम, राहुल को कुछ मत करना। आकाश, आकाश, गया था तू? क्यों गया था बोल, सा क्यों नहीं, क्यों गया था? सॉरी पापा। तू मुझसे प्यार नहीं करता। You don't love me. No, papa, I love you. झूठ बोलता है तू, झूठ। Sorry, papa. तू उसे मिलने उसके घर तक गया था? वो गंदी नहीं है पापा। तो जा, जा उसी के पास। Go, get out. नहीं पापा, मैं आपके पास ही रहूँगा। क्यों? तू तो उसको प्यार करता है ना? आप बोलोगे तो मैं उससे प्यार नहीं करूँगा। नहीं। तू जा उसके पास।
गो। प्लीज पापा मैं आपके पास रहूंगा। नो। मैं नफरत करूंगा उससे। क्या बोला तू? नफरत करता है उससे? प्यार नहीं करेगा? नो पापा। तो चल फिर। ये क्या बोलेगा? तू बोल। 2% का आदमी, तूने मेरा 4,00,000 का गेट क्यों तोड़ा? माँ, पुलिस को फोन करो। ए, चुप रह। आकाश, फॉर गॉड से क्या कर रहे हो तुम? शट अप। बहुत गलत फहमी है ना तुम्हें कि राहुल प्यार करता है तुमसे? अभी सुन लो। राहुल बेटा बोल, बोल दे इसको। अच्छा है, जो फैसला कल अदालत में होना है वो आज यही हो जाएगा। मम्मी प्लीज चुप रहिए आप लोग। आकाश मत करो ऐसा राहुल के साथ। तुम बंद करो ये मगरमच्छ का रोना मैडम। राहुल अच्छी तरह से पहचान गया है तुमको। राहुल बोल दे इसको कि तू नफरत करता है इससे। बोल बेटा। नहीं बोलेगा ये। ये तेरी असलियत जान गया है पखंडी। कभी नहीं बोलेगा। आपने बोला था ना मुझे कि आप नफरत करते हैं इनसे। आकाश प्लीज मेरे बेटे को। बोल ना बेटा। बोलता क्यों नहीं है? मत करो ऐसा। ठीक है तो तू नहीं बोलेगा फिर। रहे यहीं पर तू, मैं चलता हूं। यही रह तू बेटा, इनके जैसा ही बांध, मेरी जरूरत नहीं है तुझको। पापा मुझे मत छोड़ के जाओ। आई लव यू पापा। राहुल। मम्मी मैं आपसे नफरत करता हूँ।
सुना खाली खाली मुझको लगा घर अपना। कल रात को जागे उठा मैं देखा ये मैंने सपना। आंगन में एक पिंजरा पिंजरे में एक तोता है काश ऐसा होता मैं पैदा ना होता है काश ऐसा होता मैं पैदा ना होता। मैं टूटा नहीं हूँ अंदर से मैं कट गया हूँ। उन दोनों में आधा आधा लगता है मैं बट गया हूँ। माँ बाप का एक मैं बेटा लोता काश ऐसा होता मैं पैदा ना होता काश ऐसा होता मैं पैदा ना राहुल को भेज देना। वो तो यहाँ है ही नहीं, तेरे साथ ही तो गया था सवेरे। क्या? हाँ। राहुल, 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 राहुल। राहुल का कुछ पता चला कहीं नहीं मिला। राहुल, राहुल, क्या भोग रहा है? क्या हुआ? राहुल, अरे जम्बू, तू तो राहुल का दोस्त है ना, तुझे तो मालूम होगा राहुल कहाँ है। शायद इसे मालूम, आप इसे लिए। थैंक यू। राहुल, 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 राहुल बाबा। आप लोग यहीं रुक जाइए, प्लीज यहीं रुक जाइए, जल्दी करो, हरे अप, हरे अप। आकाश तुम यहीं रुको। डॉक्टर साहब उसे हुआ क्या है? आकाश प्लीज तुम यहीं रुको। उसे हुआ क्या है डॉक्टर साहब? प्लीज एक्सक्यूज मी, क्या हुआ राहुल को? कैसे पता है, राहुल बाबा तो वो Thank you.
क्या हुआ है मेरे राहुल को? मैंने पूछा क्या हुआ है राहुल को, बोलते क्यों नहीं तुम? इसीलिए छोड़ा था राहुल को तुम्हारे पास? अगर मेरे राहुल को कुछ हो गया ना आकाश। शट अप, अपना कोई ड्रामा मत करना यहाँ पर, बच्चा बीमार है मेरा। बेटा वो मेरा भी है और मैं जानना चाहती हूँ उसे हुआ क्या। शट अप, यू शट अप। मैडम मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर, आउट। तुम कौन होते हो मुझे आउट करने वाले? मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं हो जाता। मीरा, आकाश, ये अस्पताल है, तुम दोनों का अखाड़ा नहीं है। डॉक्टर साहब इससे कहिए कि ये चली जाए यहाँ से। आकाश विल यू प्लीज स्टॉप इट नाउ। नर्स देखो जल्दी जाओ, बहुत भीग गया, जल्दी करो। एक मिनट नर्स। राहुल, राहुल, आकाश उठाओ इसे, लाओ डॉक्टर मुझे। सर पूरा गीला है। नर्स इसके कपड़े दे दो मुझे जल्दी। नर्स वो कपड़े उठा लीजिए वहां से। बेटा ये लीजिए। आकाश राहुल को ये एड्रेनलिन का इंजेक्शन देना है, ये महाबलेश्वर के पॉपुलर दवा खाने में। मैं लेके आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं लेकर आता हूँ डॉक्टर साहब। आकाश मेरे पास गाड़ी है। अरे तुम दोनों थोड़ी देर के लिए राहुल के बारे में नहीं सोच सकते? चलो जल्दी करो। नर्स वैसी खाली हुआ कि नहीं? नहीं सर, जॉन्डिस वाला बच्चा क्रिटिकल है। ओह माय गॉड, अरे तुम देख क्या रहे हो, जल्दी करो, इंजेक्शन देना बहुत जरूरी है। नर्स इंजेक्शन तैयार करो। पुलिस साहब ये दवा प्लीज। नौ हजार सात सौ। नौ हजार सात सौ जी। पुलिस साहब अभी तो सिर्फ 2000 है मेरे पास। ये ले लीजिए। कोई जरूरत नहीं पुलिस साहब, बाकी पैसे मैं कल आपको भिजवा दूंगा। ठीक है आकाश जी, आप दवाई ले जा सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर साहब। नर्स हरिया हरिया। आकाश मैंने मुंबई से डॉक्टर सोनावाला को बुलाया है, केस कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, अगले 12 घंटे बहुत क्रिटिकल है। जस्ट प्रे टू गॉड। डॉक्टर साहब राहुल को हुआ क्या है? उसे आस्थमा तो था ही, अब एक्सपोजर की वजह से वो साइनोज्ड हो गया है, वो सांस नहीं ले पा रहा और उसका खून काला पड़ता जा रहा है। मुझे लगता है वो कई घंटे बारिश में लगातार भीगता रहा। कई घंटे? वो घंटों तक भीगता रहा और किसी को खबर तक नहीं? वो 4 साल तक क्या करता रहा, खबर तो इसकी भी किसी को नहीं हुई। आकाश मीरा तुम लोगों को जहां मौका मिलता है तुम लोग शुरू हो जाते हो। दिस इज द लिमिट आई टेल यू। एक्सक्यूज मी, राहुल आपका बच्चा है जी। आपका नाम? आकाश शर्मा। उसका माँ का नाम? क्यों फॉर्म में भरना होगा ना। उसकी माँ नहीं है। नहीं है, नाम तो होगा। उसकी माँ है और उसका नाम है मीरा सिंह। आप शर्मा, ये सिंह? जी मेरा नाम मीरा सिंह ही है। समझ गई समझ गई। शादी तो कर लिया पर नाम नहीं बदलने का, आजकल तो ये सब चलता ही रहता है। मेरी एक फ्रेंड ने भी ऐसा ही किया था। मैंने उसको बोला बच्चे का नाम क्या देगी। हमारा डिवोर्स हो चुका है नर्स। Do you have a problem with that? Divorce, तलाक। और अब राहुल की कस्टडी मेरे पास है। भले ही आप लोगों का तलाक हो गया मिस्टर आकाश शर्मा, राहुल का तो तलाक नहीं हुआ ना। इस फॉर्म पर बच्चे का माँ का नाम पूछा गया, आपका बीवी का नहीं।
जॉन, मैंने तुम यहाँ क्या करता है? सिल्विया सिस्टर, वो छोटा बाबा है ना राहुल, आपको मालूम? हाँ मालूम है, उसका माँ बाप से मिला, तुमको मिलना उससे? अपन उसको इस हालत में देखना, अभी कैसा है वो सिस्टर? वेरी बैड, उसका कंडीशन ठीक नहीं है, चौकचर अंदर बोला चांस बहुत कम है। ओह माय गॉड, अपन को मालूम वो बच्चा बहुत तकलीफ में अपना माँ बाप की वजह से, पर अपना राहुल को कुछ होएगा नहीं, डॉक्टर लोग चाहे कुछ भी बोले अपन जाएगा ना अपना डॉक्टर के पास में, अपने राहुल को कुछ होएगा नहीं, देख लेना। ये तुम इतना रात को किधर जाता है मैन? आकाश, बस मीरा कुछ मत बोलो, राहुल की हालत के लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। मैं? What are you talking? कितना खुश था राहुल मेरे पास, 4 साल तक उसे किसी की कमी महसूस नहीं हुई, किसी की जरूरत नहीं थी उसे, तुमने आकर उसके अंदर माँ का एहसास जगाया। बकवास कर रहे हो तुम आकाश, अपने अहम मेच्योर तुम कभी नहीं समझ सकते, एक बच्चे को माँ का आंचल ही छांव दे सकता है, और आज तुम इसलिए बौखला रहे हो क्योंकि राहुल को तुम मुझसे कभी छीन नहीं पाए। सच, तुम कितने खुदगर्ज हो, 4 साल तुमने राहुल के साथ गुजारे हैं, मैंने उसकी टूटी फूटी यादों के साथ, तुमने तो उसे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा, मैंने उसे सिर्फ सपनों में, जन्म दिया है मैंने उसे आकाश, याद आती थी उसकी मुझे हर पल, हर पल, और तुम कहते हो कि देखो, come on please, अभी पूना से लौटी तो पता चला, कैसा है अब वो? अभी तक होश नहीं आया उसे। क्या हुआ आकाश, बात क्या है? नहीं कुछ भी तो नहीं, आओ। मैंने यहां आकर कोई गलती तो नहीं की ना? गलती क्यों, हमारा राहुल बीमार है, तुम तो आओगी ही, प्लीज मैं जरा डिस्टर्ब। सिस्टर वो छोटा सा बच्चा राहुल, उधर राहुल का मम्मी खड़ा है। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया, राहुल कैसा है? नवीन ये लोग कह रहे हैं राहुल इज सिंकिंग। ओह माय गॉड, बेटा डॉक्टर साहब। आकाश तुम ही रुको, जल्दी करो जल्दी करो, इधर लाओ इधर लाओ, देखो तुम डॉक्टर सोनावाल को फोन कर। मुझे नहीं लगता कि इलाज इनके बस की बात है, मैं भी 2-4 फोन करता हूँ, हम अभी राहुल को हेलीकॉप्टर से मुंबई ले जाएंगे। मीरा, आकाश, राहुल को होश आ गया। नर्स, हाँ
आप लोग अंदर क्यों आ गए? सिर्फ माँ बाप को परमिशन दिया था। डॉक्टर साहब, ये मेरे साथ हैं। मीरा, इस वक्त तुम्हारे साथ सिर्फ राहुल होना चाहिए। आकाश, प्लीज तुम लोग बाहर जाओ। तो फिर हम लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे? समय निकलता जा रहा है और राहुल की हालत बिगड़ती जा रही है। ऐसे में तो वो, अगर तुम नहीं चाहते हो तो ना सही, लेकिन हम राहुल को यहाँ से ले जाएंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगी मीरा, और बेहतर यही होगा कि यहाँ कन्फ्यूजन करने के बजाय तुम लोग यहाँ से चले जाओ। देखो मिस्टर आकाश, आप कृपया करके हम लोगों की शराफत को हमारी कमजोरी ना समझे। राहुल की कस्टडी में लेके दिखाऊंगी आकाश, और बताऊंगी कि बच्चे की देखभाल कैसे की जाती है। सिस्टर मीरा, आकाश, माय गॉड, ऐसा टाइम में भी तुम लोग झगड़ा करने को? जॉन, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बीच में बोलने की। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राहुल कैसा है अब? क्यों पूछ रहे हो तुम राहुल के बारे में? क्या मतलब है तुम्हें उससे? अरे तुम दोनों ने मिलकर क्या कर दिया उस बेचारे की जिंदगी का? अपने प्यार से तुमने उसे जन्म दिया, और अपनी नफरत से तुमने उसे मार दिया। अपने बच्चे से ज्यादा तुम अपने अहम से प्यार करते हो। अरे प्यार का तो बस नाटक कर रहे हो तुम, सिर्फ नाटक। सच्ची बोला डॉक्टर साहब, आप अपन जानता माय गॉड, वो राहुल कितना तड़पता था आप दोनों का सच्चा प्यार पाने का वास्ते। अरे बच्चे को बांट के प्यार नहीं मांगता, बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार मांगता। जिंदगी में आपके सारे फैसले आपके होते हैं, तब तक जब तक कोई तीसरा बीच में ना आ जाए। बच्चा होने के बाद आपके हर फैसले में उस बच्चे का बराबर का हक है। नहीं समझ में आएगा इनको साहब, इन दोनों का तो लड़ाई है ना। तुम दोनों का लड़ाई में जीत किसी का भी हो, पर वो राहुल का तो हार ही है ना। वो बच्चा तुम दोनों को पनिश करने का वास्ते अपना जान दे रहा है, और तुम लोग लड़ो लड़ो। माय गॉड, आज के बाद अपन जब भी लॉर्ड को प्रे करेंगे ना, अपन बोलेंगे ऐसा माँ बाप को कभी कोई राहुल मत देना। माय गॉड, राहुल की जान के बारे में परेशान हूं ना, अगर वो बच भी गया तो क्या मिलेगा उसे? नर्स, ऑक्सीजन जल्दी करो, जल्दी लगाओ उसे। फिकर की कोई बात नहीं। हाँ, वो तो है। आप, एक्सक्यूज मी। मीरा, कैसा है राहुल? कुछ कहा नहीं जा सकता मामा। मीरा, सारा इंतजाम हो चुका है। इंतजाम? हाँ, जज साहब से बात हो गई है। यहाँ साइन करो। रात के 12 बजे राहुल 5 साल का हो चुका है। मीरा, ये पेपर साइन करो। क्या है? राहुल की कस्टडी का पिटीशन है ये। अब देखते हैं कौन रोकता है हमें। लो। प्लीज मैडम, जल्दी कीजिए, हमें जज साहब के पास जाना है। भैया, मेरा राहुल आईसीयू में है, और आप लोग? मीरा, ये सोच वो आईसीयू से बाहर आएगा तो कहाँ जाएगा? अरे हमारे पास आएगा। लो साइन करो। प्लीज एक मिनट। वक्त नहीं है मीरा, जल्दी साइन करो वरना मर जाएगा तुम्हारा राहुल। खबरदार, जो फिर कभी ऐसी बात बोली तो। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, और ये मुझे 4 साल पहले ही करना चाहिए था। ये तुमने अच्छा नहीं किया सिस्टर। प्लीज मीरा, रोहित प्लीज लुक, देखो ये वक्त नहीं ऐसी बातों का। इट्स ओके, इट्स ओके मीरा, इट्स ओके। डॉक्टर, नर्स, मास्क।
जो कुछ भी हो सकता था किया जा चुका है। डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए, प्लीज। आई एम सॉरी। प्लीज डॉक्टर साहब। राहुल उठो बेटा, चलो फिर लेटा जाओगे। हाँ कम ऑन, एक्सरसाइज नहीं करनी है क्या आज? राहुल राहुल आकाश बस अभी उठ जाएगा डॉक्टर साहब, अभी उठ जाएगा। हाँ अभी उठेगा। राहुल राहुल आकाश, राहुल उठ क्यों नहीं रहा है? राहुल बेटा उठ। राहुल राहुल बेटा चलो घर चलो। उठ जा बेटा, चल बेटा। राहुल राहुल देर क्यों कर रहा है आकाश? पता नहीं मीरा, पता नहीं आकाश। नहीं आकाश, नहीं आकाश। यहाँ देख क्या किया आकाश, मेरा बेटा राहुल। हमने उसे मार दिया आकाश, हमने राहुल को मार दिया। मेरा राहुल, मैं नहीं जी सकती उसके बिना। मुझे मेरा राहुल वापस दे दो, मेरा बेटा मुझे दे दो। पापा 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 राहुल 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 पापा। It's a miracle. ये चमत्कार है। I'm sorry, Sheila. Don't be sorry, Akash. It's okay. दरअसल हम लोगों ने समझने में ही गलती कर दी। राहुल को मां की नहीं मीरा की जरूरत थी। इस बार गलती मत करना मीरा। राहुल का घर तुम्हारे और आकाश तुम दोनों के बिना कभी पूरा नहीं हो सकता। उसे तुम दोनों का प्यार चाहिए। सब अच्छे लोगों को जिन्होंने मेरे मम्मी और पापा को मिलाया।
थैंक यू डॉक्टर अंकल, थैंक यू जॉन अंकल, थैंक यू ईशा, थैंक यू शीला, थैंक यू नवीन अंकल। चलते हैं पंछियों के साथ साथ हम भी निकलते हैं। कुछ भी।